और आखिरकार हमारी लेट लतीफ आ चुकी है, हमेशा देरी से आकर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसा क्यों करती हो तुम? हे, मुझे ऐसे डांटो मत, आज एक बहुत खुशी का दिन है, तो सब मिलकर क्यों ना उसे मनाते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग वोटिंग के लिए गए थे और हम सभी वहाँ पर थे, बिल्कुल समय पर थे, वोटिंग कर रहे थे और वहाँ के वोटिंग ऑफिसर ने पूछा कि आपकी बेटी कहाँ पर है। दरअसल उन्होंने इससे पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं, वो हमेशा ही देरी से आती है। देर आए दुरुस्त आए, जो पिछले हैं वो पहले होंगे, इसीलिए तो आज हम पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन सभी परिवारों के साथ मिलकर इंटरनेशनल फैमिली डे मनाने के लिए। तो आपको वेरी हैप्पी फैमिली डे। तो आप सभी लोग हमारी पारिवारिक प्रार्थना के समय में हमसे जुड़े हो, जब हम परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करके प्रभु की स्तुति के गीत गाते हैं, बाइबल पढ़कर प्रार्थना करते हैं। तो उससे पहले हम लोग हर एक उन समस्याओं के बारे में या फिर उन परेशानियों के बारे में बात करना चाहते हैं जिससे हम जूझते हैं, और एक परिवार के रूप में मिलकर उस पर हम किस तरह प्रबल होते हैं। तो माता पिता के रूप में या दादा दादी के रूप में या एक पति पत्नी के रूप में, बेटा बेटी या भाई बहन के रूप में, हमारे परिवार में हम सभी का एक भाग होता है। तो उस भूमिका को निभाते हुए हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं और एक दूसरे को कैसे सशक्त बनाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। परमेश्वर ने हमें एक साथ रखा है हर एक बातों में, ताकि हम साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे के लिए साथ काम करें और पूरी दुनिया के लिए भी। तो यह बहुत बढ़िया है, जैसे हम लोग वो गीत गाते हैं, एकता में हमको बांध दो। तो ये सच में प्रभु का प्रेम है जो हमें एक साथ रखता है, और जब हम हर एक में प्रभु का प्रेम होता है तो अपने आप हमारे मनों में एक दूसरे के लिए भी प्रेम होता है, और साथ ही पूरी दुनिया के लिए हमारे मन में प्रेम भरा होता है। दूसरे परिवारों के लिए भी हमें दूसरे परिवारों की चिंता है, जिससे हमारे मन में बहुत बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है। अगर हम आपस में ही प्रेम बांटते हैं तो ये ऐसा है जैसे कि मान लो हम 9 लोगों में ही बहुत ही सीमित होता था। ये बहुत सीमित होता, लेकिन एक परिवार के रूप में हम कई लोगों के बीच प्रेम बांटते हैं तो लाखों लाख लोग हमारे साथ भी प्रेम साझा करेंगे और वो कहेंगे कि ये हमारा परिवार है, हमारे अंकल हैं, हमारी आंटी, हमारी नानी माँ, हमारी छोटी केटी। और वो हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। और कल हम लोग एक परिवार से मिले, उन्होंने कहा कि भले ही आप हमें मिल नहीं पाते हो पर हम आपसे अक्सर टीवी पर मिलते हैं। उन्होंने कहा आप हमारे परिवार का भाग हो तो इतना प्यार मिलता है हमें, जैसे हम उनके प्रति प्रेम दर्शाते हैं वो भी हमारे प्रति प्रेम दर्शाते हैं। और एक परिवार के रूप में एक साथ रहने से ही ये सामर्थ्य मिलता है, और हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाता है जो परिवार के साथ रहना चाहता है। वास्तव में प्रेम प्रार्थना से आती है, जब हम एक परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं साथ मिलकर, तभी प्रेम बनता है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि लोग साथ रहे, परिवार साथ रहे, एक रहे। और यीशु लोगों को अपना प्रेम दिखाने के लिए आए थे, वो प्रेम से परिपूर्ण थे और वही प्रेम परिवार के हर एक सदस्य के मन में भरा हुआ है। जब हम लोग मिलकर पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने हमें कृपा दी है ताकि शुरुआत से ही पारिवारिक प्रार्थना करें। शुरू से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पैसों की कमी थी, शांति नहीं थी, खुशी नहीं थी, जब कुछ नहीं था फिर भी तब से हम लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी, और फिर प्रभु ने हमें शांति दी, खुशियाँ दी, और हम लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे, और फिर हम लोगों ने सेवकाई शुरू की। इसी तरह हमें भी प्रभु आशीष देंगे और साथ ही हमारे आसपास के लोगों को भी। और हर बार जब से पिताजी थे हमने प्रार्थना की है, और भले ही हमारा निजी प्रार्थना समय भी होता था हमारी जरूरतों के लिए और कई चीजों के लिए, हमने हमेशा ही परमेश्वर के आगे वो विनती रखी
और फिर जब हम एक मिलकर पारिवारिक प्रार्थना में वो विनती रखते हैं, प्रभु प्रकट होते हैं परमेश्वर और वो हमसे बातें करते हैं। प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति परिवार के सभी सदस्यों में भर क्योंकि जाती थी। हम एक दूसरे की चिंता करते थे और यीशु आते थे। हाँ। क्योंकि वो जब इस दुनिया में थे उनका कोई परिवार नहीं था, इसलिए उन्हें परिवार पसंद है, इसीलिए वो आकर हमसे बातें करते हैं और हमें चलाते थे। तभी हमें मार्गदर्शन मिलता था कि आगे कैसे बढ़ना है। इसीलिए एक परिवार के रूप में प्रार्थना करने का जो सामर्थ्य होता है वो प्रभु को हमारे पास ले आता है और तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं और हमारे साथ लाखों परिवार को आगे ले चल सकते हैं। इसलिए वो एक अलौकिक अनुभव होता है, अद्भुत होता है। परमेश्वर का मार्गदर्शन और वही हमें एक बनाकर भी रखता है। हो सकता है परिवारों में एक दूसरे के बीच में काफी मतभेद हो और वैसे शायद और कुछ, पर जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं सब कुछ दूर हो जाते हैं और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे मनों में एक संगति उत्पन्न होती है और हम एक बन जाते हैं। मैंने दादी को कहते सुना है कि पहले आर्थिक संकटों के बीच भी पारिवारिक जीवन बहुत ही बढ़िया था और आप यीशु की ओर देखते थे। कई लोग सोचते थे जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हम पर सभी आशीष होते हैं और वैसे ही वो हमें खुश करते हैं, पर ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे बहुत बढ़कर है। शुरुआत में तो हमारे पास कुछ नहीं था, पैसे तक नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन दिल में शांति थी और परमेश्वर का प्रेम हमें महान तरीके से भरा रहा था। हमेशा प्रभु की उपस्थिति भरी रहती और पारिवारिक प्रार्थना के कारण समझ से परे जो परमेश्वर की शांति है वो हमें भर देती थी। तो लोगों, रोजाना आपको पारिवारिक प्रार्थना करनी है, तभी प्रभु आपको उस शांति से भर देंगे जो समझ से परे है। मेरे पति हमेशा सुबह अपने पर्स में पैसे रखते थे और वो शाम तक उनके पर्स में नहीं रहते थे, पर्स खाली रहता था। तब मैं उनसे पूछती, बताओ क्या खर्च किया, तो वो कहते थे कि ऐसे लोग जो बहुत समस्या में हैं, वो पास्टर मिलने आए थे, वो बहुत पीड़ा में, इसीलिए मैंने उन्हें दे दिया। वो कहते थे परमेश्वर हमें दे देंगे, तुम चिंता मत करो। पर सारे बिल तो आपको ही भरने होते थे परिवार तो आपको ही चलाना होता था। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात थी वो हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते थे, तो वो शांति हमें मिलती जो समझ से परे हैं और परमेश्वर ने एक बढ़िया रूप से हमें चलाया और परमेश्वर ने बहुत आयात से हमें भरा और उन पीड़ाओं के कारण जो हमने शुरुआत में सहे थे और आर्थिक समस्या के कारण भी। कभी चिंता मत करना, परमेश्वर की ओर देखिए, अपने पति और परिवार पर भरोसा रखे और बहुत ही जरूरी है शांति भी मिलेगी और प्रभु आपको बहुत आयात से आशीष देंगे। एक परिवार में संबंधों का बहुत ही महत्व होता है, साथ मिलकर रहना एक परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिखाया, उन्होंने मार्था मरियम और लाजरस के परिवार से बहुत प्रेम किया। जब भी वो जेरूसलम जाते वो बेतनिया जरूर जाते थे। बेतनिया वो जगह थी जहाँ पर बहिष्कृत लोग रहते थे और हो सकता है मार्था मरियम और लाजरस भी बहिष्कृत लोग थे। उन्होंने उनसे बहुत प्रेम किया, उन्हें वो परिवार बहुत पसंद था। जब भी वो वहाँ पर जाते थे उन्होंने सुसमाचार सुनाया और मरियम भी आकर प्रभु के चरणों पर बैठती थी और यीशु की बातें सुनती। उन्होंने उत्तम भाग रूपी यीशु को चुन लिया था। उसी तरह प्रभु ने हमें वो मार्ग दिखाया है ताकि हम परिवार में एक अच्छे संबंध बनाए रखें। प्रभु ने परिवार से प्रेम करने का एक जीवन जिया है, तो उस उदाहरण का अनुकरण करना बहुत आसान है और परिवार में एकता के साथ रहे, प्रभु के वचनों को एक दूसरे के साथ बांटें, एक दूसरे के साथ प्रभु का प्रेम बांटें, साथ मिलकर रहे और परिवार को खुशियों से भर दे। साथ रहना एक परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार मैं कहती हूँ जब भी परिवार में किसी का जन्मदिन होता है तो मैं कहती हूँ कि हमें एक साथ मिलना होगा और आज पारिवारिक प्रार्थना करनी होगी, साथ ही लंच और डिनर भी करेंगे। कई बार हमें ऐसे ही एक होना है और डाइनिंग टेबल पर पारिवारिक चर्चा करनी होगी। जब पिताजी थे, तुम्हारे दादाजी, वो सिर्फ डाइनिंग टेबल पर ही चर्चा किया करते थे और माँ कहती थी कि तुम ऑफिस की सारी समस्याओं को यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हो
लेकिन वहाँ डाइनिंग टेबल पर रात के खाने पर ही पारिवारिक प्रार्थना किया करते थे और प्रभु परमेश्वर आकर हमसे बातें करते और सारी समस्या सुलझा देते। यही वो खुशी है जब हम परिवार में एक बनकर रहते हैं। मेरा मानना है कि एक परिवार के रूप में एक दूसरे के बोझ को भी बांटना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस किसी भी दुखों के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं जानता हूं कि मेरा परिवार मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि ऐसा समय हो सकता है जब आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते, और उस समय हम ये जानते हैं कि मेरा परिवार मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, वो मेरा साथ दे रहे हैं, इसीलिए मैं इसमें से निकल सकता हूँ। मैं समझ पाती हूँ कि आज के इस दौर में पीजी करना बहुत ही कठिन हो रहा है, तो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में काम बहुत कठिन रहता था। तब मैं सैम को फोन करके कहती थी कि मेरे लिए ये बहुत ही कठिन लगता है, पर मुझे खुशी है कि तुम लोग सब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, इसीलिए बोझ को भी साझा करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमारे परिवार के लोग हमारे लिए प्रार्थना कर सके। हमें तुम्हारे आने से बहुत खुशी होती थी, क्योंकि तुम हमेशा पोली लेकर आती थी या फिर ऐसे ही कुछ चीजें या फिर चॉकलेट्स और काफी मेहनत के बाद तुम परिवार के साथ भी सोचती हो और हमेशा ही हम में से हर एक के लिए तुम कुछ ना कुछ लेकर आती हो, और केटी के लिए मतलब तुम्हें हमारी चिंता है, इसलिए अगर काम का भी तनाव हो, जैसे कि बहन इवेंजेलिन के साथ, पता नहीं तुम्हारे लिए इसे बहन इवेंजेलिन बुलाओ या आंटी कहूं क्योंकि ये संबंध ही कुछ ऐसे हैं लेकिन आज भी देखा जाए तो वही है जो सैम के लिए सारे कपड़े खरीदती हैं और वो सैम के लिए सही बैठते हैं, क्योंकि उसे साइज का पता है, उसका पसंदीदा रंग जानती हैं वो, उसे क्या पसंद आएगा, उसे क्या फिट आएगा और सभी। तो ये बढ़िया है, और इसके सूट की चिंता मैं किया करता हूँ। सैम ने अपने लिए कभी कोई शॉपिंग नहीं की, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई उसके लिए कपड़े चुनने पड़ते हैं आज के दिन तक। और शिल्पा के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ये जब भी उसे कुछ लेना हो वो कहेगी ये शिल्पा के लिए सही है, डेनियल के लिए सही रहेगा या फिर स्वीटी के लिए। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हमारे घर में किसी का जन्मदिन होता है तो हम शैरन से कनेक्ट करते हैं, तो वो फेस टाइम के जरिए हमसे मिलती है और हम मिलकर बहुत अच्छा समय गुजारते हैं एक दूसरे के फोटोज निकालते हुए, इसलिए एक परिवार के रूप में बने रहना बहुत जरूरी है। तो ये सब तो ठीक है, पर जब परिवार में एक दूसरे के बीच गलत फहमी हो जाए, अधिकतर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और युवा अवस्था में होते हैं, जब वो बस एक जवान हो रहे होते हैं, अपनी युवा अवस्था में होते हैं, तो वहां पर निश्चय ही एक गलत फहमी होने के आसार होते हैं, और ये वो समय है जब माता पिता खुद को नम्र बना लेते हैं, बच्चों की देखभाल बढ़ा देते हैं, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक पिता के रूप में नम्र किया, वो आए अपनी जान तक दे दी अयोग्य लोगों के लिए, अनुचित लोगों के लिए, ताकि उन लोगों का भी उद्धार हो। और वही हम एक पिता से अपेक्षा करते हैं, एक माँ से भी, बस उन्हें अपने बच्चों पर प्रतिबंध नहीं लगाना, पर उनकी देखभाल करनी है, ध्यान देना है, उनको अच्छे से समझना होगा, और वो सिर्फ प्यार से ही संभव है कि वो अपने बच्चों को बदल पाए, एक युवा को बदल दे, अपने जवान बच्चों को बदल दे, ताकि वो एक आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करें। हम इसके बारे में और भी आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। बताने के लिए ऐसी कई बातें हैं कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, कैसे सही मार्ग पर चलाएं, कैसे सफलता के मार्ग पर चलाएं, कैसे उनसे बेहतरीन चीजें करवाएं, कैसे वो अपना सही करियर का चुनाव करें, सही जीवन साथी का, इन सभी बातों का आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। एक महीने हमारा ऐसा एक एपिसोड होगा जिसका नाम होगा द फैमिली। इस कार्यक्रम का नाम होगा द फैमिली, और हर महीने हम ऐसे एपिसोड करेंगे। आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हो, आपके सुझाव या फिर आपकी कोई कहानी, हम उसे पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, हमारे अनुभवों से और प्रभु के वचनों से उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। सैम, तुम कुछ कहना चाहोगे? जो सबसे जरूरी बात है, परिवार को हमेशा एक होना चाहिए। जिस योजना के साथ परमेश्वर ने एक परिवार को बनाया है, परिवार के सदस्य तो हमेशा
नाम या उपनाम के साथ ही जुड़े होते हैं। बाकी हर एक व्यक्ति अपने ही धुन में होता है, हमेशा अपने ही ट्रैक में दौड़ते रहते हैं। उनके विचारों में या मन में परिवार के दूसरे सदस्य के लिए वक्त नहीं होता। जो बच्चे होते हैं वो अपने जीवन में कैसे खुश रहे इसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो किसी भी तरह खुशी की खोज में रहते हैं। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाते हैं, उनके साथ फ़ोन पर लगे रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि माँ या पिताजी के साथ क्या हो रहा है या भाई बहनों के साथ। और दूसरी ओर जो पत्नी है वो उसके लक्ष्य के पीछे पड़ी होती है, पति अपने लक्ष्य के पीछे पड़े होते हैं। सभी अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ क्या हो रहा है, ना उनकी देखभाल या सपोर्ट करते हैं, ना ही किसी के परीक्षा के समय उनके साथ रहते हैं, या परिवार का कोई किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो तो भी, या उनकी सेवकाई के समय उनके साथ नहीं होते ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो परिवार में ऐसा संचार करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जानता हूँ कि पिताजी हमारी परीक्षा के पहले वो अक्सर मैसेज करते थे या फ़ोन करते थे, हमारे लिए प्रार्थना करते थे, और परीक्षा के तुरंत बाद, इससे पहले कि हमारे दोस्त आकर हमसे मिले, वो हमसे पूछते कि आज का परीक्षा कैसा रहा। हम बस परीक्षा लिखकर बाहर ही आते थे, या फिर हम किसी सभा या सेवकाई को ख़त्म करके कार में बैठने जाने वाले ही होते हैं। तो आपको ये पता कैसे चलता है कि हम ट्रेन या प्लेन से जैसे ही उतरते हैं और हमारी यात्रा में होते हैं तब वो कॉल करते हैं? इसीलिए मुझे पता नहीं उनको वो सही समय कैसे पता चलता है, पर ये सच में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, और माँ भी हमारे लिए प्रार्थना करती है। तुम्हें देखता रहता हूँ आत्मा में एक आत्मिक मार्गदर्शन के साथ, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आत्मा में अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें उनकी किसी भी उम्र में। और शिल्पा भी क्रिसमस के समय में पूरे घर को रोशनी से भर देती है। मैं जानता हूँ कि सेवकाय में हम कई बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, पर वो कहती है कि घर को हमेशा खुशी और रोशनी से भरा होना चाहिए ताकि माहौल खुशहाल हो और उत्सव का एक वातावरण रहे। वो पूरे घर को सजाने का काम करती है, साथ में मिलकर क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए वो प्रेरित करती है ताकि हम खुश होकर उत्सव मनाएं। एक परिवार के रूप में हमें मिलकर एक उत्सव को मनाना चाहिए, एक साथ मिलकर प्रार्थना में बने रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। वो लाइट्स लगाती है, रोशनी से भर देती है, पर इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हमें भरना पड़ता है। परिवार के हर एक सदस्य का भाग होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया डैनी, तुम हमारे जीवन में म्यूजिक लेकर आए हो। ये वाकई में बहुत ही बढ़िया है कि हम एक परिवार के रूप में यहाँ पर बैठकर चर्चा करते हुए प्रभु का प्रेम अनुभव कर रहे हैं। मैं इस समय यह कहकर शुरू करना चाहूँगा, जो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है वो ये कि परिवार कुछ ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण है, पर परिवार ही सब कुछ है। तो परिवार बहुत ही महत्व रखता है, और परिवार वो जगह है जहाँ हम हमारे एहसासों को और खुशियों को या फिर बहुत कठिन स्थितियों को साझा करते हैं, और परिवार वो जगह है जहाँ से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम उत्साहित होते हैं। परिवार कदम आगे बढ़ाने में मदद करता है। मुझे ये वचन याद आ रहा है जो कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम रखता हूँ और मैं उसकी अच्छी देखभाल भी करता हूँ। और क्या ये सच है? हाँ 100% सच कन्फर्म। हाँ तो हमारी शादी के लगभग 2 महीनों के बाद, उस समय हम बहुत ही खुश थे, बहुत अच्छा समय गुजार रहे थे, सेवकाई में व्यस्त थे, कई जगहों पर जाना पड़ रहा था, और हम वाकई में बहुत खुश थे कि प्रभु ने हमें आशीष दिया है। और एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जब हम कार पर कहीं जा रहे थे और हमारे मन में उस समय बहुत ही सवाल थे, बहुत विचार कर रहे थे कि शादी से पहले हम लोग काफ़ी अलग थे और शादी के बाद अब काफ़ी बदल चुके हैं, अब हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारे मन में कई सवाल थे कि हम ये सारे चीज़ों को कैसे संभालने जा रहे हैं, और हमें अपने माता पिता का ख्याल रखना है और साथ ही हमारी सेवकाई पर भी ध्यान केंद्रित करना है।
आराधना के प्रति, गीत लिखने के प्रति, जिसके द्वारा कई लाख लोग आशीष पा रहे हैं, तो ये एक तनाव की बात थी, पर हमें इसी से खुशी मिलती है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो हम प्रभु के लिए करते हैं। और ये ऐसा था, हम इन सवालों में काफ़ी उलझे थे और सुपर कन्फ्यूज थे, उन बातों से आंसू छलक पड़ते थे। मैंने स्टेला से कहा कि क्यों ना हम ये सारी बातें भूल जाएं और हम अपने ही लिखे गीत को सुनकर क्यों ना प्रोत्साहन पाए। मैंने स्टेला से आशीष का गीत लगाने को कहा क्योंकि ये एक दिलासा देने वाला गीत है, कई लाख लोगों को इससे आराम मिला है। और मैंने कहा कि ये गीत निश्चय ही हमें भी दिलासा देने जा रहा है। इस गीत में लिखा है कि दुख का अंत होगा और तुम्हारी आशा कभी न टूटेगी। और हम उसी के बारे में सोच रहे थे और स्टेला वो गीत चलाने ही वाली थी और अचानक प्रभु ने हमसे बात की एक अद्भुत रीति से। हम ड्राइव कर रहे थे, एक छोटा ट्रक था, उस ट्रक ने हमारी कार को ओवरटेक किया, हमारे आगे आई और एक सिग्नल में वो रुक गई। उसके पीछे एक वचन लिखा था, दुख का अंत होगा, तुम्हारी आशा कभी न टूटेगी। ट्रक के ऊपर था? हाँ, ट्रक के पीछे। हमने सोचा क्या बात है, आप सचमुच अद्भुत परमेश्वर हो और आपने अपने वचनों द्वारा हमसे बातें की है और ये सदियों से एक सत्य है। हम बस परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। तो एक परिवार में जब किसी की शादी होती है, जब हम एक नया जोड़ा बनते हैं पति पत्नी के रूप में, तो नई जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती है। जब एक बेटा या बेटी से हम एक पति या पत्नी बनते हैं तो एक नया अनुभव होता है। तो इससे पहले आप अपने माता पिता पर निर्भर होते हो या दूसरे किसी परिवार के सदस्य पर अब तुम पर एक नई जिम्मेदारी होती है। परमेश्वर द्वारा एक नया परिवार का निर्माण होता है तो वो सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि अब मेरे काम का कैसे तालमेल बैठेगा, और उतना ही नहीं मेरे काम और परिवार का तालमेल कैसा रहेगा। अब मुझे मेरी पत्नी या मेरे पति का साथ देना है और मुझे मेरे काम को भी संभालना है, मन लगाकर काम करना है। परमेश्वर की क्या इच्छा है कि मेरे परिवार के प्रति और नौकरी के प्रति कैसे रहूं या जीवन के किसी और भाग में मैं कैसे रहूं? तो इसमें सबसे जो आसान बात है वो ये है कि सब कुछ प्रभु के हाथों में अर्पण कर दीजिए। एक पति पत्नी के रूप में एक दूसरे से बातें करें और सबसे पहले सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और उन्हें आपका परिवार चलाने दीजिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करना शुरू करते हैं, चीजें एक दूसरे के साथ साझा होगी। पर फिर सबसे पहले आपको प्रभु को अर्पण करना होगा। फिर हमारा अनुभव ये है कि प्रभु ने पहले ही हमें प्रतिज्ञा दी है तो वो हमारे परिवार को संभाल लेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक प्रमाण दिया, उस गीत के द्वारा हमें उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को हल कर दूंगा। और हम इसके बारे में सुबह बात करते उसके लिए शाम तक ही हमें एक समाधान मिल जाता था। मतलब परमेश्वर हमारी सुन रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं, तो हम लगातार उन्हें महसूस कर रहे थे। तो ये एक पति या पत्नी के लिए बहुत जरूरी बन जाता है जब एक नया परिवार बनता है कि सबसे पहले खुद को सुबह सबसे पहले परमेश्वर के साथ संगति बनाए और उसके बाद घर में आप जिस किसी के साथ भी रहते हो, घर में जो भी हो, उनके साथ एक परिवार के रूप में हम जुड़ते हैं और हर एक के साथ बातें साझा करते हैं, परिवार की खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। लेकिन एक पति पत्नी को बहुत जरूरी है कि सुबह वो एक साथ संगति में आए और उसी के साथ परमेश्वर आपको एक बड़ी सहायता देंगे। जब बच्चे होंगे तब परमेश्वर हमें उसके लिए भी जरूर सशक्त बनाएंगे, उन बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे जिसकी योजना उन्होंने उनके लिए पहले से ही रखी है। तो हमें साथ मिलकर रहना होगा। एक बहुत बढ़िया गीत है, एकता में हमको बांध। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। That cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. There is only one God.
आमीन। तो प्रेम सब कुछ है और कभी कभी हमें प्रेम बांटने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और वो सिर्फ प्रभु यीशु की ओर से आ सकता है। जो परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, तो डैनी हमेशा कहते हैं कि जब मैं घर आता हूँ गुलाब जामुन मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि आंटी को पता है, एवेंजेलिन आंटी जानती हैं कि तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है। और जब से मैं 18 साल का था तब से लेकर मेरी माँ हमेशा ही मंगलवार को उपवास प्रार्थना करती थी, हर एक मंगलवार, और आज तक वो ऐसा ही कर रही हैं। अब 44 साल हो गए हैं, हर मंगलवार को ऐसा करती है वो, उपवास प्रार्थना, ताकि परिवार धार्मिकता के मार्ग पर चले, साथ मिलकर चले और सदा आशीष में रहे। तो यही हमारे परिवार का साथ में रहकर आशीष पाने का रहस्य है। परमेश्वर की महान कृपा द्वारा तो हम भी चाहते हैं कि आप वही आशीष पाए। और अब यीशु के नाम में, हे परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं और इस समय हमें देखने वाले हर एक पर तेरे आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको एक परिवार के रूप में खड़ा कीजिए, अगर कोई अकेला है तो उन्हें एक परिवार बनाइए और वो परिवार आपकी इच्छा के अनुरूप बनाइए, और उन हर एक परिवारों में आपकी कृपा बनी रहे, ताकि उनमें खुशी बने रहे, आनंद रहे, एकता का उद्देश्य रहे, और हमने जिस आशीष की बात की है वो उन पर रहे। हे पिता, इस कार्यक्रम को आशीष दे, हर एक एपिसोड में आपका आशीष रहे, और लाखों लाख परिवारों के लिए ये आशीष बने, जहां परिवार एक होकर बने रहे। आपकी महिमा के लिए उनका उपयोग कीजिए। यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, हमारे परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल फैमिली डे। ये द फैमिली नाम के इस कार्यक्रम की शुरुआत है और आगे भी ऐसे कई कार्यक्रमों को हम आपके सामने लाएंगे। आज का ये कार्यक्रम एक इंट्रोडक्शन कार्यक्रम था, तो ऐसे और कार्यक्रम होंगे। ये हम हर एक के लिए हमारे परिवार को चलाने में मददगार होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा दिनकरन परिवार आपके परिवार के साथ जुड़ना चाहेगा। इसलिए हमारे जीसस कॉल्स यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और इसे हमारे दूसरे जीसस कॉल्स यूट्यूब चैनलों पर दूसरी भाषाओं में सुन सकते हो, इसलिए सब्सक्राइब करें, मासिक कार्यक्रम देखते रहिए, और केटी और हमारे परिवार के दूसरे सदस्य आपके सामने होंगे, है कि नहीं केटी? चलिए सबको बाय बोल दे। बाय। Thank you.